दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 40x45 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक विलेज हाउस प्लान है और एक बेहतरीन सा मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जिसपे मैंने लो कॉस्ट का इस्तेमाल किया है। जब भी आप घर बनवाएंगे तो आपको बहुत ही कम दामों में घर बनेगा, और इसी मॉडल को डिस्कस कर लेंगे जिसका साइज 40x45 है। हालाँकि ये घर जो डिजाइन किया है वो कम, लगभग ये आपका अगर हम बात करें तो 25x45 में क्रिएट किया है मैंने। ये एरिया जो होगा 25 अप्रॉक्स होगा और ये 45 होगा ओवरऑल एरिया, जिस 40x45 फीट में, जिसमें आगे का मैंने देखी कि ग्रीन एरिया निकाल दिया है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो इसको मैं इंक्लूड ना करूं या पूरा इंक्लूड करूं, तो अगर पूरे की बात करें तो 40x45 फीट में। इसी मॉडल को, सिंपल सा मॉडल, लो बजट हाउस, बेहतरीन सा ग्रीन एरिया के साथ, बेहतरीन सी पार्किंग वगैरह सब कुछ मिलने वाली है इसी वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं कुंजा झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, सबसे बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। आपके लिए जब भी आप घर बनवाएं, एक बार विजिट करें तो आपको नए नए मॉडल्स, नए नए डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज का जो मॉडल है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको इस मॉडल का एक रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। ये देखिएगा आप, एक बेहतरीन सा मॉडल जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ ग्रीन एरिया भी काफ़ी मैंने क्रिएट किया है। ये फ्रंट का लुक है, ये लाइटें लगा रखी हैं, ये रेलिंग है आपका। तो यही अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर है, और मैं बात करूँगा तो ये पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर देखिएगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये आपको दो पिलर मिल जाते हैं। ये मेन डोर है, ये वेंटिलेशन के लिए दोस्तों विंडो मैंने दिया है। ये गेस्ट रूम है, एक इधर भी है रूम, मतलब दो बेडरूम है जिसमें अलग बाहर से भी डोर और विंडो, इसमें डोर और विंडो और मेन डोर यहाँ पर, जहाँ से एंट्री करेंगे। जैसे आप गैलरी माध्यम से एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पर एक लिविंग एरिया में आ जाते हैं। और ये जो बेडरूम मैंने क्रिएट किए, इनके दोनों साइड देखिएगा, लेट एंड बाथ इधर भी इंक्लूड किया है, इधर भी इंक्लूड किया है। तो दो बेडरूम, दो लेट एंड बाथ। और अगर हम बात करें इस वाले एरिया को, आप एज ए स्टोर रूम क्रिएट कर सकते हैं, देखिए स्टोर रूम बना सकते हैं। ये गैलरी सी जो गई है, ये आपका किचन एरिया है जो मैंने क्रिएट किया है, और ये आपके यहाँ पर स्टेयर्स हैं, वहीं पर लिविंग एरिया भी है जो मैंने क्रिएट किया है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो दो बेडरूम, ये लगभग 25 फीट आप इंक्लूड कर सकते हैं, 25 से 30 फीट है, क्योंकि 12 फीट का ये रूम है, लगभग 12 फीट ये एरिया, तो 30 फीट है। 30x45 फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है, और फ्रंट का जो पोर्च टाइप का है ये लगभग 6 फीट की दूरी पर मैंने क्रिएट किया है, और बीच में दूरी लगभग 13 फीट है। तो ये डोर और ये जो आपका लेट एंड बाथ था, उसे वेंटिलेशन के लिए ये विंडो मैंने क्रिएट की है, और ये यहाँ पर ग्रीन एरिया में कुछ प्लांट्स और ट्री लगा दिए हैं, जिससे आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक और देखने को मिलता है। अगर लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, लास्ट फ्लोर पर कुछ भी 4.5 फीट का बाउंड्री चारों तरफ, और फ्रंट में रेलिंग क्रिएट किया है। तो यही पूरा 40x45 फीट में हाउस बनकर आपका रेडी होता है जो आपको देखने को मिलेगा। ये छज्जा भी यहाँ मैंने क्रिएट किया, कुछ लाइटें यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और एक बात और, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि वहाँ पर 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, और इसके बाद मैं आपका जो भी हाउस होता है उसमें 2D+3D इंक्लूड करता हूँ। इसके कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मटेरियल कितना लगेगा, इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बना रखा है स्मॉल हाउस प्लान नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड करें और वहाँ पर कॉस्ट और मटेरियल का पूरा डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ब्रेक करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।